गुल्ली डंडा के समझ लेटेस्ट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज भाई फाइनली 28 अगस्त है भाई इंडिया में। इधर हमारे साथ दो लोग यूएस वाले, उनका पता नहीं 27 हमारे लिए भी है। 28 हो हाँ, गए, लेकिन हम लोग 28 दिल से है, 28 पे ही है। दिल पे 28 28 पे चलते हैं भाई हम लोग। दिल से लोग 28 है। नुआ पीछे चला। आज हमारा आज इंडिया पाकिस्तान का फाइनली एशिया कप का बहुत दिन से लॉन्ग हो, इस पे हमने पता नहीं 3-4 वीडियो तो बना ही डाले कि भाई बैटिंग बॉलिंग दिनेश कार्तिक विराट कोहली एशिया कप, बहुत सारे वीडियोस बना दिए। हमारा भी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा। और आज तो भाई मैच ही है भाई, द डी डे। तो क्या लगता है भाई, क्या आज हम जीतेंगे? आज तो जीतना पड़ेगा भाई, जीतना ही चाहिए। बताओ रक्षित, तुम ही से शुरुआत करते हैं, क्या लगता है अंदर से, क्या बोलना ही आवाज आ नहीं रहा है है, कि जीतेंगे बोलना कि ही नहीं? नहीं है भाई। जीतना तो निश्चित है, अब खाली ये डिसाइड करना 10 विकेट से जीतेंगे 100 रन से जीतेंगे, वो हमारे को डिसाइड करना है। जीतना चाहिए भाई। अब जब मेन आदमी जो पिछला बार तुम्हारा 3 विकेट लिया, मेन तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन का, जिससे तुमको खौफ है, लेफ्ट हैंडर जो तुम्हारे सब चीज अगेंस्ट है, वो चला गया, तो तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस, उनको भी अंदर से बोलेंगे नहीं कि आया है, लेकिन आया तो जरूर होगा ना भाई, कि जरूर होगा बे, हंड्रेड परसेंट आया होगा बे, रोहित शर्मा भाई पार्टी कर लिया होगा बे, कि तो 10 मिनट प्रैक्टिस कम करेंगे। और क्या बे, रोहित चांसेस शर्मा बढ़ ने कहा गए होगा क्या थे। ही करना है। वही तो था। तो हमको लगता है कि अब लेकिन बे ये दिक्कत है कि भाई देखोगे तो भाई आज श्रीलंका कितना गंदा हारा, तो अपसेट होने का बहुत चांसेस भी है, तो हमको लगता है लेकिन तब भी जीतना चाहिए। 60% 65% इंडिया को देंगे, तो 30-35% रहेगा पाकिस्तान के पास अभी भी, क्यों कब क्या हो जाए। भाई T20 क्या है, प्लेयर का चाहिए, गेम है। पहली पहली बैटिंग चाहिए कि हम तो पहली चेस बॉलिंग चाहिए? करेंगे, हम चेस हमेशा बोलेंगे करोगे, चेस करो। दस हाँ विकेट यही है, से रिवेंज लेना है, नहीं चेस मुंह करोगे। बंद इंडिया कराना इंडिया का इंडिया इंडिया का। का वो है भाई, इंडिया का हमेशा से स्ट्रांग पॉइंट हमेशा से चेस देंगे, कितना भी हो जाए कि अभी लेटेस्ट भाई हारे इंडिया हो, लेकिन पाकिस्तान मैच में भी थोड़ा तो रहता है ना प्रेशर कि भाई अबे मजा आएगा भाई। सोचो वे कोहली अपना पुराना फॉर्म में चेस करके जिताया, तो भाई एक ड्रीम है ना वो भी यार। भाई अरे तो भाई वो भी तो एक वो है कि भाई ऐसा हो, लेकिन देखो जीतना चाहिए, भाई मेरे हिसाब कोहली से जीतना हाफ चाहिए। सेंचुरी भी बन जाए तो मजा आ जाए। नहीं भाई बिल्कुल, ऐसा लेकिन इतना ये है बढ़िया ना बैटिंग करे। दिक्कत, ये है ना कि उसका जिस तरीके का फॉर्म है ना, वो जहर कोहली जहर राहुल जैसा ही खेलेगा। अगर वो 50 भी बनाया तो 40-45 बॉल ले लेगा वो, अगर अगर वो इंडिया उसको पहली पचास बैटिंग बना। करेगी, अगर अगर चेस करी तो मारेगा भाई। अबे नहीं मारता अबे अबे आजकल वो, हमको नहीं नहीं, लगता। पता है क्या है कि वो अगर 40-50 रन बना भी लिया फर्स्ट बैटिंग में, तो एटलीस्ट वो एंड तक रहता है बे, तो एटलीस्ट ठीक है, दूसरे लोग वो मारेंगे। KL राहुल के साथ दूसरा चीज हो जाता है हाँ, बे, वो सब वो पे प्रेशर लटका के लेके आ जाता है, जाता है। लटका के हाँ जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली जीतना भाई, चाहिए बस, और कुछ डिस्कशन नहीं, मगर इंडिया को ये है ना जीतना भाई, चाहिए इंडिया भाई। पाकिस्तान मैच में फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो, कोई भी हाँ आके दनादन प्रेशर मारने लगते हैं भाई, समझ रहे प्रेशर, हो? क्राउड हाँ क्राउड का खेल होगा भाई, क्राउड का। कितना लोग होंगे वे, कितना भीड़ होगा भाई, मजा तो आएगा भाई। क्या भाई सच्चा भाई जीतेंगे कि नहीं? भाई एकदम भाई, मतलब आप समझ रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब सब एनालिसिस, सब सारा कोहली का फॉर्म, ये सब कुछ भाई आप दिमाग नहीं में जा चुका है अब 2-3 दिन से। अब ये चाहिए कि भाई आप बस खेल दो। बहुत 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 अब टेक्निकल एनालिसिस कर दिए भाई पंडित ये सब जैसे, चाहिए, हो गया। अब कपिल देव की तरह जानना है भाई, या वी भारत आर माता हियर की टू जय विन, करके बस, वी आर हियर टू विन, अब कुछ नहीं। और हाँ क्या डे कोई होगा बे अगर कोहली का आज फॉर्म में वापस आने का, नहीं वही तो बोल रहे, सोच रहे फिर हो कि सही वैसे ही दिन होगा। चेस चेस करके जिता दे लास्ट तक रह के एकदम, तो भाई वो एक मेमोरेबल चीज होगा ना भाई, बहुत जबर होगा, मजा भाई आएगा। शर्मा, भाई रोहित शर्मा तड़ा तड़ छक्के अक्के पुल वुल मारे और भाई एकदम, ऋषभ बिल्कुल पंत भाई भी मैं मारे, भाई बहुत क्या मजा आएगा भरोसा है भाई। भाई, मैं तो मजा कहूंगा आएगा। DK भी मारी जाए भाई, समझ रहे खेले हैं? तो DK टीम में नहीं होगा भाई, DK टीम में नहीं खेले तो खेले तो होगा। है ना, तो भाई वो भी ठीक एक है है चलो, मतलब। बैट्समैन का तो बात कर लिए भाई, थोड़ा बॉलर्स के बारे में भी बात करो भाई, किससे उम्मीद है बुबी कि भाई एकदम विकेट पे ले, क्योंकि अब बुबी बुमराह तो नहीं है, बुरी एक बुबी है नहीं, बुबी, और स्विंग हमको आएगा भाई स्पिनर पे भी स्विंग, बहुत है भाई, ये लेग स्पिनर अपना चहल खेलना चाहिए। चहल भाई चहल खेलेगा 100% तो वहां थोड़ा, खेलेगा भाई। क्योंकि आज देखोगे अगर मैच देखोगे श्रीलंका और इनका, तो भाई उनके सारे स्पिनर्स का इकोनॉमी 3-4 का है भाई, उनका सारा सारा जो नाभि तक का इकोनॉमी भाई 3-4 का है, तो सोचो कि थोड़ा पिच स्लो होगा, याद रहे हो, तो खेलना चाहिए और करना चाहिए अच्छा। तो हमको इस मामले में इंडिया उनसे बेटर भी है थोड़ा, स्पिन डिपार्टमेंट में देखोगे तो इंडिया का ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अच्छे बॉलर्स हैं, तो
होना चाहिए, जीतना तो चाहिए। मतलब तो मतलब यूजी चहल और भुवनेश्वर कुमार अपने मेन बॉलिंग में मेन वेपन, विकेट विकेट लेगा भाई चहल बहुत, क्या पता 90 पर 90 100 पे ऑल आउट कर दे इंडिया, ज्यादा ही कुछ तो भाई भाई तो समझ में आ ही रहा है भाई, जोश तो दिख ही रहा है भाई कि जीतना ही है भाई, वो तो पता चल ही रहा है, लग भी रहा है कि आज जीतेंगे। उसके पहले इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक और चीज बता दो कि मैन ऑफ द मैच एक नाम लो भाई सबके लिए, पहले सक्षम बताओ मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली भाई, माइक घूम गया भाई खुशी में ये कैसे ले लिया भाई, पाकिस्तान में भाई भाई तुमको वाला याद है इंडिया पाकिस्तान मैच जिसमें भगवान आए हुए थे, वो विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मार दी थी, फिर ऐसे जगह भगवान के सामने ऐसे किया था, भगवान मतलब सचिन भाई याद है भाई, इंडिया पाकिस्तान बहुत मारता है बहुत मारेगा भाई। और एक्चुअली उस दिन भी तो विराट कोहली अच्छा खेला था ना भाई, जिस दिन इंडिया हारा उसका अकेले का बढ़िया इनिंग्स था, तो हम ठीक है अच्छी मेरे हम मैन ऑफ द मैच ठीक है भाई, तो एक चहल हो गया एक विराट कोहली हो गया, मुझे लगता है कि भाई मैन ऑफ द मैच आज होंगे हार्दिक पांड्या भाई, दो हरफन मौला खिलाड़ी है भाई, हरफन मौला खिलाड़ी है भाई, विकेट भी लेगा और भाई 20 बॉल पे 40 रन भी मारेगा भाई, और मैच मैच विनिंग गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस रहेगा भाई उसका, अब देखते हैं क्या होता है भाई, मजा आएगा थोड़ी देर बाद सो जाओगे उठोगे सीधा मैच, हम लोग को पूरा दिन काटना है अब भाई, तो आप ऐसे YouTube चैनल देखिए समझ रहे, वीडियोस देखिए आप बिल्कुल अपना पंप अप रहिए एकदम कि भाई कौन जीते कौन आ रहे कैसे रहेगा सब मैच मैच मजे के मजा होगा, अच्छा मैच होगा बिल्कुल भाई। इसी के साथ तो भाई आज का पॉडकास्ट खत्म होता है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हम फिर होपफुली नेक्स्ट वीडियो लाइव लेके आएंगे भाई, तो हमारे साथ तब लाइव में भी जुड़िएगा और तब इंडिया पाकिस्तान करेंगे मैच होपफुली, अगर इंडिया जीती तो डेफिनेटली भाई, इंडिया हारी तो भी आ जाएंगे जाओ यार और क्या भाई, लेकिन मूड बहुत खराब रहेगा भाई, होगा ही नहीं भाई ऐसा सीन ही नहीं आएगा, आज जीतेगा।